वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्त महेंद्र जी सिंह, तुसी देख रहे हो टूरिस्टल इंडिया इंस्टाग्राम फेसबुक ते यूट्यूब चैनल। अपनी ये वीडियो होंगी है क्या हुए इन्हें यानी कि क्वेश्चन दें सर, तुसी कमेंट के रूप में मैं सवाल करते हो तो मैं थोड़े सारे सवालों का जवाब इस वीडियो दिना हूँ। यह वीडियो हर रोज़ रात को यूट्यूब तो अगले दिन फेसबुक तो रिलीज़ होती है। सो शुरू करते हैं अज्ज का क्या हुए इन्हें। अमरिंदर जीत सिंह लिखते हैं सर, मैं मैनीटोबा की PNP अपलाई की 10 मंथ हो गए ने जी, की मैं कनेडा का विस्टर वीज़ा अपलाई कर सकता है? अप्लाई कर सकते हो, अपलाई करने विच कोई हर्ज नहीं है, पर जे तुसी ना करो तो ज़्यादा बैटर है, क्योंकि जो PR अपलाई की हो PR दे विच जो थोड़ी इनफॉर्मेशन गई है तो जे जेकर माड़ा मोटा भी कोई डिफरेंस आ जाए यानी कि तुसी उत्थे कुछ होर दस रहे हो रहे तो कुछ होर दसोंगे तो दिक्कत आ सकती हैगी है। नॉर्मली जे PR अपलाई की हो वीज़ा अपलाई नहीं करना चाहिए, हाँ कोई जरूरी काम है जो नहीं सरदा थोड़ा है ना फिर कर सकते हो, करन दे विच कोई बनाई नहीं, पर थोड़ी जी इनफॉर्मेशन हैगी है वो सेम चाहिए हैगी है ना। समटाइम की होंगे कि आप कोई एक्सपीरियंस लाया होंगे या कोई जॉब दिखाई होती है सो उसके मुताबिक PNP तो बनती है अपनी, पर उस प्रोफाइल के मुताबिक अपना विजिटर वीज़ा नहीं बनता होंगे। सो विजिटर वीज़ा की प्रोफाइल वक्री होंगी है, PR की वक्री होंगी है। सो जेकर थोड़ी प्रोफाइल मैच करती है तो बेशक अपलाई कर लो, पर अपलाई तो करो जो कि बहुत एमरजेंसी है, अदरवाइज वेट कर लोगे तो ज़्यादा बैटर है। अरमान सिखू लिखते हैं सर, जिदा आप ITR भरते हैं तो ओल्ड तो न्यू च नेम चेंज करना है तो कोई फेक तो नहीं मनी जाएगी डाक्यूमेंट के विच? थोड़े को प्रूफ होना चाहिए जी, तुम नेम चेंज किया है तो अखबार के निकली हुई जो नोटिस है वो कटिंग थोड़े को कुछ होर प्रूफ थोड़े को यानी कि जस्टिफिकेशन होंगी हो जिस चीज़ पर डाउट जाएगा, जे उस चीज़ की जस्टिफिकेशन तुम पहला दे दोगे फिर कोई दिक्कत नहीं। अवतार सिंह लिखते हैं सर जी, अगर स्पोंसर से असी अप्लाई किया है 20 दिन हो गए ने तो उतों कोई ऐसा पेपर मंगवा सकते हैं जिदे नाल साड़ी फाइल का रिजल्ट जल्दी पता लग जाए? नहीं, इस तरह कुछ नहीं होंदा जी, जिहड़ा रिजल्ट हैगा वो थोड़ी प्रोफाइल ते डिपेंड करता है, यानी कि थोड़ी जदों टर्न आएगी उदों ही थोनू रिजल्ट मिलना है, उस तो पहला तुसी जिहड़ा मर्जी पेपर मंगा लो कुछ नहीं कर सकते। वध तों वध तुसी जिहड़ा हैगा वैब फॉर्म रेज कर सकते हो तो उस नाल भी कोई फर्क नहीं है, वैसे ने जदों रिजल्ट देना उदों ही देना, रिजल्ट नूं पहला या लेट अपनी मर्जी नाल नहीं करवाया जा सकता। चंद्र PB7 लिखते हैं सत श्रीकाल भाजी, मैं पूछना सी कि PT नाल कनेडा च PR कर सकते हैं? किन्ने स्कोर नाल PR अपलाई कर सकते हैं कनेडा की? PT दे नाल तुसी नहीं कर सकते जी, IELTS ही चाहिए वह भी जरनल दे विच। सो जे तुसी PR या वर्क परमिट बारे सोचते हो तो थोड़ा IELTS होना जरूर है, ना कि PT। PT कनेडा के कुछ कॉलेज दे विच अकैडमिक वास्ते जिहड़ा हैगा एक्सेप्टेबल हैगा, होर दूजे कामों वास्ते नहीं, यानी कि PR या वर्क परमिट वास्ते तुहानू IELTS ही करना पैणा जी। हनी गरियाल लिखते हैं हैलो जी, मेरी ताई कनेडा विच है, उहदे अपने बच्चों के बर्थडे स्पोंसर करना है, बट मेरे ताया नाल उन्हां दी बंदी नहीं एंड उन्हां इंडिया भी डिपोर्ट किया होया कनेडा गवर्नमेंट ने। माई क्वेश्चन इज़ कि उन्हां दे पासपोर्ट प्रूफ लगाइए ताई दे पासपोर्ट नाल, इफ़ यस तो मेरी फाइल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी या उस तो बिना भी लगाया जा सकता है? नहीं, ताई दे प्रूफ लाने की लोड़ नहीं है, तुसी जिहड़ी तुहानूं तुहाडे कज़न की स्पोंसर आ रही हैगी है ना उस नाल ही कर लो तो ज़्यादा बैटर हैगा जी। मुहम्मद सामी लिखते हैं क्या ITR मैंडेटरी है आस्ट्रेली टूरिस्ट वीज़ा के लिए और ITR कितनी होनी चाहिए अपनी अच्छी प्रोफाइल के लिए, मिनिमम और बिजनेस प्रोफाइल? ITR देखो इस करके जरूरी होती है, ITR इसलिए जरूरी होती है कि आपका जो इनकम का प्रूफ है वो शो किया जा सके, आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि उसका कोई और तो उसकी कोई टाइप है नहीं कि हम अपनी इनकम कैसे दिखा सकते हैं। यदि ITR ना हो तो Form 60 आपके पास हो, यदि वो भी ना हो तो J Form हो, है ना। तो कुछ ना कुछ तो हमें इनकम का प्रूफ लगाना पड़ता है जिससे हमारी इनकम जो है वो शो होती है। नरेंद्र कौर लिखते हैं सत श्री अकाल जी, मेरे बेटे ने मेरे नाल विजिटर वीज़ा May 2021 अप्लाई किया सी, उन्हां दा रिवर्ट नहीं आया कोई, हुण मैं बेटे दा स्टडी वीज़ा अप्लाई करना सी पर मैनूं पता लगा कि पुरानी फाइल विदड्रा करनी पएगी, मैं लास्ट वीक थ्रू वैब फॉर्म विदड्रा रिक्वेस्ट सेंड कर दी सी जी,
सुजैसट करो कि अंबैसी का रिवर्ट की वेट करा या विदड्रा रिक्वेस्ट अटैच करके फाइल लोड कर देव। ड्यूरिंग विजिटर वीज़ा बेटा के बायोमैट्रिक हुए सी उही चल जाएंगे या स्टडी वीज़ा के बायोमैट्रिक दोबारा करने पैणगे। देखो जदों तक तुसी जदों जे तुसी विदड्रा की एप्लीकेशन पा दिती है तो उस दे नाल ही तुसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि थोनू विदड्रा की जिहड़ी हैगी अप्रूवल होके आवे, फाइल विदड्रा करन तो बाद ही तुसी आपदी एप्लीकेशन जिहड़ी हैगी नवीं पा सकते हैगे हो। तो बायोमैट्रिक डिपेंड करता अंबैसी, जे अंबैसी के पोर्टल के अपडेट है कि नहीं ऑलरेडी, फिर जो तुम फाइल लाओगे तो उसके भी अपडेट होंगे। जे कोई दिक्कत आती तो अंबैसी ने अपने आप ही थोड़े तो बायोमैट्रिक जोड़े है वो मंग लेने, सो कोई दिक्कत वाली गल नहीं जी। नितिन गुप्ता लिखते हैं, सर मेरी वाइफ फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट ने, और सर मेरी वाइफ का विजिटिंग कार्ड है और लैटर हैड हैगा कि कनेडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने लिए की डेजिग्नेशन मैनशन करना पवेगा। देखो कि जरूरी नहीं है कि तुम कोई जॉब करते होवो, जेकर थोड़ी जी इनकम है थोड़ी अकाउंटेबल हो, यानी कि थोड़े अकाउंट आती होनी चाहिए। जो मेकअप आर्टिस्ट ने जी पेमेंट चार्ज करते हैं कि कैश लेंदे ने या कि उन्होंने अकाउंट के आती है पेमेंट, सो जे पेमेंट अकाउंट के आती फिर कोई दिक्कत नहीं हैगी जी। फिर आप किसी कार्ड की इनविटेशन की जी है या तो डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं होंगी, जस्ट इनकम शो करके तुम आपकी प्रोफाइल ला के वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। रघुनाथ कुमार लिखते हैं, सर आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम हैदराबाद इंडिया टू लुबॉक टैक्सस बाय ब्रिटिश एयरलाइन एज ए स्टूडेंट विद US वीज़ा। आई हैव ले ओवर ऑफ 20 आर लंडन हीथरो। आई हैव एन अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेम टर्मिनल T5। प्लीज़ टेल मी आई नीड एनी ट्रांजिट वीज़ा। और रघुनाथ जी देखिए, ऐसा है कि आपका जो लेओवर है वो 20 आर का है, पर आपकी जो फ्लाइट है वो सेम टर्मिनल से है, सो आपको ट्रांजिट अप्रूवल लेनी चाहिए। आप वीज़ा ना भी लोगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, पर ट्रांजिट अप्रूवल ज़रूर ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका हेल्प जो है वो कर सकते हैं। सतपाल सिंह लिखते हैं, सर फिंगर होने तो बाद पेमेंट किन्ने दिन तक रखनी पैनी है अकाउंट में, प्लीज़ दसियो इस बारे। देखो फिंगर होने तो बाद तुसी जिन्ना टाइम तुसी रख सको, जिन्ने तुसी पाउट अलाउ कर सकती हैगी है ना, मैं समझ सकता क्योंकि आप पैसे फड़फड़ा के रखे होंगे ने, सो ब्याज पैंदा हैगा, तो दिक्कत का सामना करना पै सकता है, पर जिन्ना हो सकता तुसी जरूर रखो तो थोड़े फायदे च है, क्योंकि कई बार ज़्यादा टाइम नहीं होंगे पर सम टाइम वैसे ही हो सकता जी चैक थोड़ा अकाउंट कर लवे तो दिक्कत आती है, सो जिन्ना तुसी टाइम रख सकते हो थोड़े लिए बेहतर हैगी। अगला कमेंट है विजय कुमार का, लिखते हैं मेरी सैलरी 15,000 है, कि सर 15,000 ते वीज़ा जिहड़ा हैगा वो लग सकता है? बिल्कुल जी लग सकता वीज़ा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोगों की इनकुआरी आती है कि साड़ी सैलरी घट है, सैलरी है ही नहीं है, असी की कर सकते हैं, किवें 15,000 ते वीज़ा लै सकते हैं? देखो जे तुसी चाहो तो 15,000 की सैलरी ते भी वीज़ा आ सकता है। इहदे नाल तुसी की कर सकते हो कि 15,000 दे नाल नाल तुसी कुछ अपनी होर एक्सट्रा इनकम जिहड़ी हैगी है वो शो कर सकते हैगे हो ना, जिमें तुसी कुछ एग्रीकल्चर दा नाल दिखा सकते हैगे हो, या तुसी सैलरी दे नाल नाल अपना कोई बिजनेस जिहड़ा हैगा वो भी दिखा सकते हैगे हो। सो बिजनेस नाल की है कि थोड़ी सैलरी प्लस जी बिजनेस दी इनकम पा के जिहड़ी हैगी है इनकम वो वध जांदी है, उस दे नाल इह भी थोनू जिहड़ी सैलरी 15,000 मिलती है वो काउंट होगी, प्लस 35-40,000 की होर इनकम तुसी आपदी शो करके वीज़ा लै सकते हो। असीं बहुत सारे इस तरह के वीज़ा लेते ने जिहड़े बहुत घट सैलरी दे विच, पर उसके नाल आपां कुछ होर इनकम जिहड़ी हैगी है वो शो की है, यानी कि वो इनकम दिखाई हैगी है, या वो इनकम का काम मल इनकम के नाल वो काम जिहड़ा हैगा इनकम के लिए काम करते हैगे ने। सो तुसी 15,000 की सैलरी के नाल आपकी कोई एक्सट्रा इनकम शो कर सकते हो, तो जिहड़ी ITR 3 होंदी है वह सैलरी प्लस बिजनेस प्लस एग्रीकल्चर की इकट्ठी ITR भर होंदी है, सो तिना मिला के या दोवां मिला के जो भी इनकम जनरेट होंदी है टोटल वो दिखा के इनकम दिखाई जा सकती है। सो जिन्हों की सैलरी घट है वो तुसी आपका कोई एक्सट्रा इनकम के तौर पर बिजनेस दिखा के आपकी ITR भर के वीज़ा लै सकते हो। सो कहने का मतलब यह है कि जे थोड़ी सैलरी 15,000 है, 10,000 है, 25,000 है, तो भी तुम आपका जो वीज़ा वो लै सकते हो। सो दोस्तों ये थोड़े कमेंट यानी कि थोड़े सवाल तो मेरे जवाब, उम्मीद करता थोड़ा वधिया लगे होंगे। इस तरह दी होर वीडियो देखने लिए मेरा चैनल सबसक्राइब कर सकते हो। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।